व्हाट्सअप गाइज यार, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं 9x9। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर 9x9 ही है या कोई और पज़ल है, क्योंकि बहुत से क्यूब्स मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, तो इसको खोलते हैं तो पता लग जाएगा। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छी पैकेजिंग है यार। यार मैं तो काफ़ी थक गया। एट लास्ट फाइनली अंदर एक और बॉक्स है, इसको भी खोल लेते हैं। यस, ये 9x9 ही है आई थिंक, बॉक्स को देखकर तो यही लग रहा है। अगर मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशंस की बात करूं तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, सोच से भी ज़्यादा हैवी 9x9x9। और ये रहा हमारा 9x9, बहुत ही क्लियर। ओह, नेक्स्ट लेवल साइज़ है इसका, बहुत मज़ेदार साइज़ है यार। ये साइड लोगो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले आप लोग ये ऊपर कुछ लुब्रिकेंट का देख सकते हैं, और ये हैवी है, काफ़ी बड़ा है, और इसके शेड्स थोड़े थोड़े डल से हैं, जैसे यूशिन लिटिल मैजिक 3x3 के थे। साइज़ कंपैरिजन के लिए मेरे पास में पड़ा है 8x8। आप लोग देख सकते हैं कितना फ़र्क है साइज़ का, कितना फ़र्क है। और ये मैट फिनिशिंग में, खैर फर्स्ट टर्न्स की बात करते हैं, टी पम्प करके देखते हैं। टी पम्प करना एक बहुत लंबा टास्क है इसकी पे, क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है तो ये उस तरह का स्टेबल नहीं होता। खैर फ़िलहाल मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दे सकता जब तक मैं इस पर कुछ सॉल्व ना कर लूँ। यार बहुत मज़ेदार क्यूब है, बहुत बड़ा है, और फाइनल रिव्यू के लिए आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। तो फाइनली हम आ गए हैं 9x9 यूशिन लिटिल मैजिक के रिव्यू वाले पार्ट में। यार इस क्यूब पे मैंने अभी तक सिर्फ 3-4 सॉल्व किए हैं, और अब आप लोगों के साथ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले कंपेयर करने जाने लगा हूँ कलर्स। ओरिजिनल यूशिन लिटिल मैजिक 3x3 के कलर से इसके रंग थोड़े से डिफरेंट हैं, आप लोग खुद देख सकते हो। खैर कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी टर्निंग, तो अगर टर्निंग की बात करूँ तो इसकी टर्निंग बहुत स्मूथ है। लेकिन यार ये बड़ा बहुत है, जिसकी वजह से मेरे छोटे हाथों में ये आता नहीं है। बात कर लेते हैं कॉर्नर कटिंग की। अगर मैं लाइन टू लाइन रखूँ तो इजीली कॉर्नर कट कर रहा है, लाइन से थोड़ा सा आगे करूँ तो तब भी कॉर्नर कट कर रहा है, और ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ पीस, पता नहीं लाइन से थोड़ा सा आगे कॉर्नर कट कर रहा है। रिवर्स कॉर्नर कटिंग की मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि बड़े क्यूब्स पे वैसे ही कॉर्नर कटिंग बहुत बुरी होती है, तो रिवर्स तो आप लोग खुद समझते हो, लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग फिर भी बहुत अच्छी है। असल मसला है इसके साइज़ का। अगर मैं यहाँ पास में ही, मेरे पास MF8 पड़ा है, वो साथ में रखता हूँ, तो आप लोग एक साइज़ में बिल्कुल वाज़े फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है साइज़ में, जिसकी वजह से ये क्यूब बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना बड़ा होने की वजह से, ख़ास करके मुझ जैसे छोटे हाथ वाले लोगों के लिए। अगर ये 9x9 का साइज़ इस MF8 जितना होता, या इससे थोड़ा सा बड़ा होता, कोई 1-2 मिलीमीटर का फ़र्क होता, और टर्निंग सेम यूशिन लिटिल मैजिक जैसी होती, तो यार ये क्यूब बहुत बम्प होना था। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से यार सॉल्विंग में बहुत मसला आता है, ये होल्ड नहीं होता यार ठीक से।
खैर मुझे नहीं पता मैं मज़ीद क्या इसके बारे में बता सकता हूँ, जितना पता था मैंने बता दिया। इन शॉर्ट्स ये मेरा मेन 9x9 है, मेरे पास सिर्फ एक ही 9x9 है, लेकिन इन फ्यूचर मैं मी लॉन्ग 9x9 और मी लॉन्ग 10x10 मंगवाने वाला हूँ। तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग वो भी वीडियोज़ देख सकें। और आई थिंक अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। यार ये पैटर्न बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को इससे इसकी इनर लेयर की टर्निंग का भी अंदाज़ा हो गया होगा कितनी स्मूद है। हैड गुड बाय।